वेलकम बच्चों आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है, है ना क्या क्या पर्पस है क्यों जरूरत है किस तरह के केमिकल कोऑर्डिनेशंस हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन uh, का रोल प्ले कर रहे हैं है ना हम सबको ये बात पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म करती है जैसे हम बात करें डाइजेशन की है ना हम बात करें रेस्पायरेशन की ठीक हम बात करें एक्सक्रीशन की ठीक सोन so इस तरह से कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं हमेशा बट ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं मींस कब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फास्ट होना है उसके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट हो रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा है ना रेस्पारेटरी सिस्टम कब फास्ट होना है कब स्लो होना है रेस्पायरेटरी सिस्टम अगर फास्ट हुआ तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या आ, क्या चेंजेस आएंगे है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम कब हमारा कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा ये सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं दे आर वेल well कोऑर्डिनेटेड एज वेल well एज वेल well कंट्रोल्ड ठीक ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में जो हमारी ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ये दो तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं एक नर्वस सिस्टम से दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम से ठीक है नर्वस सिस्टम जो हमारा बॉडी का है हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है ना तो वो हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स हैं है ना नर्व फाइबर्स हैं ये हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं जो जहाँ तक इनका पहुँच है जहाँ तक ये अपने आप को पहुँचा सकते हैं ठीक है ठीके? तो दो तरह का सस, हमारा बॉडी में सिस्टम है जो हमारी बॉडी में कंट्रोल का एंड का काम करता है पहला नर्वस सिस्टम दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन मींस न्यूरॉन्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करवाता है डिफरेंट फंक्शंस uh, को एंड जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट करवाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी के जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाता है इन दोनों में एक हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है दैट इज़ अ फास्ट कंट्रोल बट केमिकल कंट्रोल इज़ अ वेरी स्लो कंट्रोल जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है इट इज़ वेरी एग्जैक्ट मीन्स जहाँ पे इनको कोऑर्डिनेट करना है वो बड़ा एग्जैक्ट होता है है ना एंड ये वाइड स्प्रेड होते हैं मीन्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं एक आसपास के एरिया को भी ये इम्पैक्ट करते हैं ठीक है एंड जो न्यूरल कंट्रोल है दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड मीन्स थोड़े ड्यूरेशन के लिए इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है थोड़े ड्यूरेशन के लिए कोऑर्डिनेट करता है, है ना एंड जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है दैट इज अ लॉन्ग लास्टिंग एक लंबे समय तक इनका कोऑर्डिनेशन मींस एक बार कोऑर्डिनेशन की वजह से ये लॉन्ग टाइम के लिए कोऑर्डिनेट कर चलता रहता है इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है ठीक है चलिए अब एक आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा व्हाट इज नीड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में जब एक फास्ट वेरी एग्जैक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम था नर्वस सिस्टम है ना तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी ठीक है तो इसका आंसर आपके सामने है जैसा हम सबको पता है कि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारा बॉडी में बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं है ना अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं तो जो हमारा नर्व फाइबर है ये हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हर सेल टू सेल कनेक्शन नहीं है नर्व फाइबर्स का सो so दैट जो बट इसके साथ साथ जो हमारे सेल्स हैं सेल का जो फंक्शन है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअसली रेगुलेटेड दैट शुड बी कॉन्टीन्यूअसली रेगुलेटेड क्योंकि जैसा सेल बिहेव uh, करेगा वैसा ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो सेल को कंट्रोल करना कॉन्टीन्यूसली पड़ता है जबकि कई सेल्स ऐसे या बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो आ, नर्व फाइबर से या फिर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है तो हमें इसलिए एक दूसरा आ, कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन का सिस्टम चाहिए होता है और इस रेगुलेशन को अचीव करने के लिए जहाँ पे नर्व फाइबर्स नहीं है जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे हमारा ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है है ना एंडोक्राइन सिस्टम हमारा काम करता है केमिकल्स की मदद से एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं हॉर्मोन बोलते हैं ठीक है चलिए आगे एक टर्म समझ के रखना है एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन के सिस्टम की स्टडी को एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं ठीक है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो इनका नाम आता है थॉमस एडिसन जी का ये एक नाम याद रखना है थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये जरूर याद रखने होते हैं है ना अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की अगर एंडोक्राइन सिस्टम पे हम जाएंगे जैसा कि हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक uh, है मेन पर्पस है कि हम एंडोक्राइन सिस्टम को ही एक्सप्लोर करेंगे नर्वस सिस्टम को हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ठीक है कर चुके हैं बट अभी हमारा जो फोकस है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे रहेगा ठीक है चलिए देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या है एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और उनके सिक्रेशन से कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं उनको हमें समझ लेना है और उन ग्लैंड का सिक्रेशन क्या है उन ग्लैंड को वो ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करती हैं ठीक है चलिए जो अब आपने ये एक वर्ड है आपके सामने ग्लैंड है ना ये आपको आ, बहुत पहले से कई फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ग्लैंड मतलब बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट समथिंग ठीक ये उसको हम ग्लैंड बोलेंगे ठीक है जैसे आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा रहा होगा ठीक है ऐसे अभी हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस है वो ये है बेसिक डिफरेंस याद रखना है जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं अगर आप डक्ट के बेसिस पर याद हो तो डक्ट के बेसिस पर दो ग्रुप्स होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स डक्टेड होती हैं कैसी होती हैं डक्टेड मीन्स ग्लैंड है और इनका जो सिक्रीसन है इनकी खुद की डक्ट के थ्रू जहाँ पे इनका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक पहुँचाया जाए ऐसी ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड या फिर इनके लिए एक टर्म और यूज करा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड इनके लिए क्या वो यूज़ करते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं दे आर द डक्टलेस ग्लैंड ये क्या होती हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ये हमें ध्यान से समझना है डक्टलेस ग्लैंड का मतलब जैसे मान लो कि ये ग्लैंड है ठीक है तो ये इसका जो भी सिक्रीशन होगा इनके पास अपना खुद का डक्ट नहीं होता ये अपना सिक्रीशन क्या करते हैं अपने आसपास की जो ब्लड वेसल्स हैं या जो इंटरस्टीशियल फ्लूड है या ब्लड है इसमें सिक्रीट कर देते हैं किसमें सिक्रीट कर देते हैं ब्लड ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं ब्लड वेसल्स जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का डक्ट होता है इस ब्लड के थ्रू वो जहां पे हॉर्मोन्स आ गए कहां पे, ब्लड स्ट्रीम में अब ये ब्लड स्ट्रीम के अलोंग एलोंग विद ब्लड स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम ये अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं तो इस ग्लैंड की अगर आप ध्यान से बात को समझोगे तो इस ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट सिस्टम नहीं है ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है, है ना ये सिक्रीशन अपना सिक्रीट कर रहा है हॉर्मोन जिसे हम कहते हैं दैट इज अ केमिकल एंड दिस केमिकल रीच टू द साइट ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम दैट इज द या विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज द डक्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम का डक्ट होता है हमारे एंडोक्राइन uh, सिस्टम का डक्ट नहीं होता खुद का तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड ठीक है तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं डक्टेड ग्लैंड होती हैं चलिए ठीक है ठीके? इनका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा इनके सिक्रीशंस को हम बोलते हैं हार्मोन जो इनका एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीसन होता है दैट इज नोन एज हार्मोन एंड हार्मोन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज द या जिसे हम क्या बोलते हैं हॉर्मेन बोलते हैं एंड हॉर्मेन का मतलब होता है टू एक्साइड हॉर्मेन का मतलब क्या होता है टू एक्साइड ठीक है चलिए आगे अब हम पहले बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में फिर उनके सिक्रेश के बारे में देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड भी दो तरह की होती हैं टू टाइप्स के होते हैं ये आपको समझना है किसके बेसिस पर इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है टाइप्स है किसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लैंड का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है अगर ये ऑर्गेनाइज है कैसा क्लस्टर के फॉर्म में टीसू के फॉर्म में अगर ये ऑर्गेनाइज है तो उन ग्लैंड को उन एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके जो सेल्स होते हैं जो हॉर्मोन से करने वाले सेल्स होते हैं वो स्केटर्ड फॉर्म में होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ ग्रुप है ना वो टिश्यू के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं वो स्कैटर्ड के फॉर्म स्केटर्ड फॉर्म में होते हैं उनको बोला जाता है नॉन एंडोक्राइन सॉरी नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो एंडोक्राइन ग्लैंड दो तरह की ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें आपने क्या देखा कि जो हॉर्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू बट जो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनके हॉर्मोन सिक्रीटिंग सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन इसलिए इनको बोला जाता है नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड चलिए इन दोनों के एग्जाम्पल जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है ना ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल देखिए पिट्यूट्री ग्लैंड पेंक्रियाज पैराथोराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पीनियल ग्लैंड थाइमस ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेट्स गोनेट्स में हम दो ऑर्गन के नाम याद रखते हैं टेस्टिस एंड ओवरी ठीक है जो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड हैं दैट इज द हार्ट लीवर किडनी एंड जी आई ट्रैक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ठीक है तो ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं है ना हार्ट के पास लीवर के पास किडनी के पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास कुछ स्केटर्ड फॉर्म में हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम आगे सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में इनके सिक्रेशंस को समझना है इनके केमिकल्स को समझना है जिसे हम हॉर्मोन कहते हैं चलिए अब हम हार्मोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हार्मोन एक ग्रीक वर्ड से लिया ओरिजिनेटेड वर्ड है जिसका जो वर्ड है ग्रीक वर्ड दैट इज़ द हॉर्मियन जिसका मतलब है टू एक्साइट जो कि हमने पहले देख लिया हार्मोन टर्म यूज़ किया था सबसे पहले स्टारलिंग जी ने है ना और जिसे हम और कई नामों से जानते हैं हार्मोन को हम और भी नामों से जानते हैं दे आर हॉर्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मैसेंजर्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स हॉर्मोन्स के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है हॉर्मोन्स जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना है नॉन न्यूट्रिएंट हैं मींस ये ये न्यूट्रिएंट नहीं है बॉडी के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं अगर <coughs> सॉरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर सक करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं है ना रेगुलेटरी होते हैं तो ये न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं बट ये नॉन न्यूट्रिएंट है ये हमें ध्यान रखना है ये हमारी बॉडी में <coughs> सॉरी ट्रैसेज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं बहुत कम अमाउंट में वेरी लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ये ध्यान रखना है वेरी लिटिल अमाउंट होता है इनका बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है है ना और ये हमारी बॉडी में आ, जो जिस भी साइट ऑफ एक्स जो इनका एक्शन होता है जहाँ पे जिस ऑर्गन को जिस टीशू को ये इम्पैक्ट करने वाले होते हैं वहाँ पे ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं मींस सेल्स uh, के बीच जाके अपना काम करते हैं सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था जिसका नाम है सिक्रेटिन क्या नाम याद रखना है सिक्रेटिन जिसे डिस्कवर किया था बेलिस एंड स्टार्लिंग जी ने कब 1902 में ठीक है अब ये सिक्रेटिन क्या है सिक्रेटिन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रेटिन को हमने देखा था सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है दैट इज सिक्रेटेड बाई एस सेल्स ये जो हमारा जी आई ट्रैक है गैस, गै, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उनमें एक सेल है एस सेल जो सिक्रेटिन को सिक्रीट करता है ठीक है चलिए ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई आपके आ, किसके हॉर्मोन्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है है ना ये केमिकली एक्चुअली हॉर्मोन्स हैं क्या चीज तो अगर केमिकल नेचर की हम बात करते हैं हॉर्मोन्स के तो दो तरह के ये केमिकल नेचर शो करते हैं कुछ हॉर्मोन्स हमारे प्रोटीन की तरह होते हैं मीन्स प्रोटीन होते हैं मीन्स दे आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड या प्रोटीन के डेरिवेटिव होते हैं एंड सम आर स्टेरॉइड्स मीन्स फैट की कैटेगरी के होते हैं चलिए कौन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं जो प्रोटीनेसियस नेचर के हॉर्मोन्स हैं इनकी भी कई कैटेगरीज हैं कुछ एमिनो एसिड डिराइव्ड होते हैं मींस जस्ट एमिनो एसिड हमारा आ, उनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होकर हमारा वो हार्मोन की तरह बिहेव करता है जैसे कुछ हार्मोन्स हैं थायरोक्सिन एपिनेफ्रिन नॉर एपीनेफ्रिन है ना ये हार्मोन्स हैं जो एमिनो एसिड डिराइव्ड होते हैं ठीक है जैसे थायरोक्सिन की बात करें तो ये टायरोसिन एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है किसका टायरोसिन एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है ठीक है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन अपना एक ग्लैंड अभी हम बात करेंगे आगे एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारे किडनी के ऊपर होता है उसके मेडुला वाले पार्ट से ये सिक्रिएट होने वाले हॉर्मोन होते हैं ठीक है एंड कुछ शॉर्ट पेप्टाइड्स टाइप के होते हैं, मीन्स कुछ एमिनो एसिड का पॉलीमर मीन्स एमिनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं बट वो पेप्टाइड चेन बनाते हैं वो छोटे पेप्टाइड चेन होते हैं जैसे एग्जाम्पल है वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन एच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है है ना तो ऐसे कुछ शॉर्ट पेप्टाइड के हार्मोन होते हैं ये हैं सारे प्रोटीन डेरिवेटिव हैं या प्रोटीन एसियस हॉर्मोन है लॉन्ग पेप्टाइड्स होते हैं मीन्स कुछ बड़े पेप्टाइड चेन से बने होते हैं जैसे पैराथायराइड हार्मोन इंसुलिन इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा है ना थाइरोलसीटोनिन एंड ए सी टी एच ए सी टी एच का पूरा नाम आप याद करने की कोशिश करेंगे अभी से तब जाके ये चैप्टर पूरा होते होते आपको सारे हॉर्मोन्स के नाम याद रहेंगे इसका पूरा नाम है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन ठीक है चलिए इसको याद करना अभी से शुरू कर लेते हैं एड्रिनो ट्रॉपिक हॉर्मोन ठीक है तो ये ए हमारा एक लॉन्ग पेप, पेप्टाइड्स हैं ना, है ना लॉन्ग पेप्टाइड प्रोटीन एस एस नेचर का ही है कुछ ग्लाइकोप्रोटींस हैं ग्लाइकोप्रोटींस का मतलब कुछ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हार्मोन्स होते हैं जैसे आपके सामने एग्जांपल है टी एस एच एफ एस एच एंड एल एच टी एस एच का पूरा नाम है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी इन सभी हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे से ये चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा है ना एफ का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एल का नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ठीक है इन सभी हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो ये तो हमारा एक कैटेगरी हो गया जो प्रोटीन नेचर के होते हैं हार्मोन्स कुछ हमारे होते हैं स्टेरॉइडल या स्टेरॉइड्स होते हैं जिसमें नाम आता है मिनरेलोकॉटिकॉइड्स ग्लूकोकॉटिकॉइड्स टेस्टोस्टेरॉन ऑस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन मिनरेलोकॉटिकवाइड्स एंड ग्लूकोकॉटिकवाइड्स ये एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन हैं वाले रीजन से सिक्रीट करे जाते हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रीट करने वाला हारमोन है ऑस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल्स की ओवरी से सिक्रीट होने वाला हॉर्मोन है ठीक है तो हम सब इन्हीं सभी हॉमोन्स के बारे में और इन्हीं सभी ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे ठीक है चलिए ये तो बात हो गई हमारे केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है हॉर्मोन का वो क्या होता है कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा हॉर्मोन शो कर रखता है है ना कैसा केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे ज्यादातर हॉर्मोन हमारे है ना दे आर द स्मॉल लो मोलिकुलर वेट वाले हैं बहुत मोलिकुलर वेट इनका बहुत कम होता है छोटे मोलिकुल्स होते हैं इनकी अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉलिबल होते हैं है ना या कुछ हमारे हैं जो फैट में सॉलिबल होते हैं ज़्यादातर हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो वाटर सॉलिबल होते हैं कुछ जो होते हैं वो फैट सोलेबल होते हैं ठीक है चलिए इनके हम क्वांटिटी को अगर देखें तो ये हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ट्रेसेस में होते हैं है ना ये रिएक्टिविटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हैं तो ट्रेसेस में बट रिएक्टिव बहुत होते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जरूर याद रखना है आपको है ना हॉर्मोन्स यूज होने के बाद बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाता है मीन्स ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है ना मीन्स जहां पर इनका एक्शन है वहां पर ये अपना काम करा एंड देन डिस्ट्रॉय बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं जैसे लीवर एंड किडनी ये बॉडी में वो उसको डिकम्पोज कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता सारे हॉर्मोन्स एक हॉर्मोन है जो हमारा बॉडी में स्टोर होता है जिसका नाम है थेरोक्सिन थैरोक्सिन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है लगभग थ्री मंथस के लिए अगर हम थ्री मंथ्स तक थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकता है अगर हम प्रॉपर इनटेक आयोडीन का तीन महीने तक नहीं लेते हैं तो हमारा बॉडी थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी नहीं होने देता क्योंकि हमारी बॉडी में इतने ड्यूरेशन के लिए थायरोक्सिन जो है वो स्टोर रहता है ठीक है अब ये जो हॉर्मोन यूज़ होने के बाद डिस्ट्रॉय एंड आ, बॉडी उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्योंकि ये हमारी बॉडी में आ, अपने एक्शन पूरी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही ये ट्रेवल करता है तो बॉड ब्लड से सेपरेट कौन करता है डिकम्पोज कौन करता है अगर इसकी बात आती है तो दो ऑर्गन है हमारी बॉडी में पहला लीवर दूसरा किडनी ये दोनों ऑर्गन्स हमारी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं हॉर्मोन्स को डिकम्पोज कर रहे होते हैं और ब्लड स्ट्रीम से उनको सेपरेट कर रहे होते हैं एंड इनको सेपरेट आउट करके यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं ये बॉडी में दोबारा यूज नहीं होते इनके जो डिकम्पोजिशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हॉर्मोन आर नॉट टू बी यूटिलाइज ये दोबारा यूज़ नहीं किए जाते बॉडी में एंड दे आर एक्सक्रीटेड विद यूरिन यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं ठीक है चलिए हॉर्मोन्स के बारे में और हम आगे बात करने वाले हैं चलिए हॉर्मोन्स के बारे में और हम बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स नॉन एंटीजेनिक होते हैं मींस ये एज एज अ एंटीजन काम नहीं करते मींस हमारी बॉडी का जो डब्ल्यू है इसको एंटीजन नहीं मानता है ना एंटीजेनिक नेचर के नहीं होते हैं मींस इसके लिए इम्यूनो रिस्पॉन्स नहीं आता एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंसेज होते हैं मीन्स ये कोई हॉर्मोन किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए ही स्पेसिफिक नहीं होता है ये कोई भी स्पीसीज़ के मेम्बर्स कोई भी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को हम वो हॉर्मोन दे सकते हैं प्लाई कर सकते हैं ठीक है जैसे बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें इंसुलिन इंसुलिन कैटल्स का हम ह्यूमन बीइंग में यूज़ किया जाता है ह्यूमन की बॉडी में यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि हॉर्मोन्स का नेचर कैसा होता है नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ठीक है कैटल्स एक दूसरी स्पीसीज है जैसे बफेलो है काऊ है है ना ह्यूमन बींग्स दूसरी स्पीसीज़ है बट इनका जो कैटल्स का हारमोन है वो ह्यूमन बॉडी में यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि हॉर्मोन्स का जो नेचर है केमिकल जो नेचर है दैट इज़ अ नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी वजह से दूसरा नेचर एक पहला हमने जो नेचर पढ़ा नॉन एंटीजेनिक क्योंकि ये एंटीजेनिक सब्सटेंसेस भी नहीं है तो हम दूसरी स्पेसीज का सब्सटेंस अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनके लिए रिस्पॉन्स नहीं करता हमारा इम्यून सिस्टम इनको नहीं रिकॉग्नाइज करता नहीं रिस्पॉन्स करता कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता कोई रिजेक्शन नहीं होता ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात है कि जो हॉर्मोन्स हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती मेटाबोलिक पाथवे जो चल रहे होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी अपने टारगेट सेल की मीन्स कोई भी हॉर्मोन अपने जो टारगेट सेल्स पर जिसपे इनको काम करना है उनके मेटाबॉलिक पाथवेज़ को ये क्या करता है इम्पैक्ट नहीं करता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है इम्पैक्ट तो करता है पार्टिसिपेट नहीं करता बट अफेक्ट द अफेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल जो उनका पाथवे है उनको कंट्रोल करता है एंड उनको अफेक्ट करता है ठीक है कैसे कंट्रोल करता है कैसे अफेक्ट करता है ये हम बात नेक्स्ट टॉपिक पर समझने वाले हैं जिस जिसका नाम है मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन कि हार्मोन करता कैसे काम है है ना इनका काम करने का मोड क्या है अगर ये बात हमें समझ आ गई तो हम इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा लेकिन अफेक्ट एंड कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल तो वो हम मैकेनिज्म में इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे चलिए हाँ जैसा कि हमने पिछले पहले ही हमने बात कर लिया कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो दो टाइप के दो नेचर के दो नेचर्स हो करते हैं कुछ वाटर सॉलिबल होते हैं कुछ लिपिड सोलेबल होते हैं है ना ज़्यादातर जो हमारे हैं वो कैसे हैं वाटर सोलेबल है। मोस्टली वाटर सोलीबल होते हैं कुछ कैसे होते हैं लिपिड सोलिबल होते हैं अब इन दोनों के मैकेनिज़्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो अपन देखते हैं ठीक है चलिए पहले हम एक बार इसको अभी स्किप करते हैं पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से अपने टारगेट सेल को अफेक्ट करता है चलिए देखते हैं ये हमारा कोई मान लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड है ये कुछ अपना केमिकल सिक्रित करेगा जिसे हम क्या बोल देते हैं हार्मोन एंड दिस हार्मोन एंटर्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम है hormone, uh, stream, ना ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है वहाँ की जो लोकल ब्लड वेसल्स होएगी उन उस ब्लड में उस ब्लड वेसल्स में ये एंटर कर जाता है एंड ब्लड में एंटर करने के बाद ये हमारा ब्लड के थ्रू क्या करता है हॉमोन अपने जो सेल्स तक है ना ब्लड स्ट्रीम के साथ ये लगभग सेल्स तक पहुँच जाता है क्योंकि ब्लड हमारा लगभग हर सेल तक पहुँच जाता है है ना वो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करा होगा क्योंकि कैपिलरी जो होती है वो परमिएबल होती है ठीक है बट जो स्पेसिफिक हार्मोन uh, है ये अफेक्ट करता है सर्टेन काइंड ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टारगेट सेल है ना ये हॉर्मोन सभी सेल्स तक पहुंच जाता है लेकिन कुछ ही सेल्स को ये अफेक्ट करता है कैसे अफेक्ट करता है वो अपन समझते हैं जिसे हम बोलते हैं जिन सेल्स को हॉर्मोन अफेक्ट करता है जिन सेल्स के बायोकेमिकल पाथवे को कंट्रोल करता है है ना अफेक्ट करता है उनको हम बोलते हैं टारगेट सेल करता क्या है देखो ये टारगेट सेल्स के पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं है ना इनके मेम्ब्रेन में या फिर इनसाइड द सेल कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपने सेल मेम्ब्रेन के साथ देखा होगा है ना पढ़ा होगा एंड इसी सेल मेम्ब्रेन को इसी सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स की मदद से हमारा जो हार्मोन होता है वो अपने टारगेट सेल को पहचानता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर हार्मोन रिकॉग्नाइजेस द टारगेट सेल मींस ऐसे समझ लो कि एक भीड़ है भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे आपने मान लो कि किसी को आपको ढूंढना है भीड़ में तो आप कैसे ढूंढोगे तो कोई एक आप स्पेसिफिक पॉइंट को आप पूछोगे कि भाई आपके पास आप कौन से कलर का शर्ट पहने हो या आप कौन से कोई टोपी तो नहीं लगा रखी है आपने तो ऐसे ही यहाँ सेम बात है कि जो हमारा हार्मोन है वो लगभग सेल्स के पास पहुंच जाता है उस ऑर्गन के लेकिन वहाँ पे कौन सा उसका टारगेट सेल है वो उन्हीं सेल्स को पहचानता है जो टोपी लगा के बैठे हैं टोपी लगाना मतलब जिनके पास वो रिसेप्टर्स हैं उन्हीं को पहचानेगा उन रिसेप्टर्स की मदद से उस टोपी की मदद से और वो उन सेल्स पर अपना कंट्रोल अफेक्ट दिखाएगा चलिए कैसे करता है अफेक्ट ऑन कंट्रोल ये जो रिसेप्टर्स होते हैं या तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे जो सेल मेम्ब्रेन होएगी उस सेल की उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे मान लो यहाँ पे ये रिसेप्टर लगा हुआ है या फिर सेल के अंदर होंगे ये रिसेप्टर्स ठीक है तो जो मेम्ब्रेन रिसेप्ट बाउंड रिसेप्टर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं उनको पहचान कर हॉर्मोन उन सेल्स पर इम्पैक्ट करेगा या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे और वो हार्मोन उन सेल्स के अंदर टारगेट अपना टारगेट सेल्स के अंदर इंटर करके अपने जो भी इफेक्ट हैं जो भी कंट्रोल है वो शो करेगा तो ये बेसिक मैकेनिज़्म है एक ओवरऑल मैकेनिज़्म है सभी हार्मोन्स के काम करने का फिर से एक बार देखते हैं हॉर्मोन्स ग्लैंड है अपना सिक्रेशन सेक्रेट करा हॉर्मोन एंड दिस हार्मोन एंटर्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्लड स्ट्रीम हमारा ब्लड इसके थ्रू ये हार्मोन लगभग सभी सेल्स तक पहुँचेगा बट ये स्पेसिफिक हॉर्मोन कुछ सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स तक को ही इम्पैक्ट करता है क्यों करता है क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनके पास एक रिसेप्टर होता है है ना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसे हमने यहाँ पे टोपी जैसा नाम दे रखा है है ना और इन रिसेप्टर्स को पहचान कर हॉर्मोन हमारा एंटर करता है या अफेक्ट करता है या फिर कंट्रोल करता है उन सेल्स के मेटाबॉलिक पाथवे को उन सेल्स के बायोकेमिकल रिएक्शंस को ठीक है ये रिसेप्टर्स भी दो तरह के हो सकते हैं एक ऐसे जो मेम्ब्रेन से लगे हों एक ऐसे जो सेल के अंदर हो सेल के इनसाइड विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं इन्हीं रिसेप्टर्स को पहचान कर हमारा हॉर्मोन अपने टारगेट सेल को पहचानता है ठीक है चलिए अब हम बात इनके जो दो हमारे हॉर्मोन्स हैं दो नेचर वाले है ना एक जो वाटर सॉल्युबल हैं और कुछ जो हैं है लिपिड सॉल्युबल हैं ये किस तरह का मैकेनिज्म शो करते हैं वो अपन देखते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मतलब जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है इनके लिए इनके जो टारगेट सेल्स होते हैं उन सेल्स पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं उन सेल्स के मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं बट जो लिपिड सोलिबल हार्मोन है ये इंटरेक्ट करता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स मतलब इनके जो टारगेट सेल्स होते हैं उनके सेल के अंदर रिसेप्टर लगा होता है ठीक है जैसे रिसेप्टर की अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो कुछ स्टोरॉइड होते हैं कुछ आयोडोथायरोनिन होते हैं तो ये अपन दो नाम याद रखने हैं ये नॉर्मली सेल में एंटर नहीं करता जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है ये क्योंकि इनके रिसेप्टर्स यहाँ मेम्ब्रेन पर ही लगे होते हैं तो ये सेल के अंदर हार्मोन का मॉलिक्यूल एंटर नहीं करता टारगेट सेल के अंदर हार्मोन का मॉलिक्यूल एंटर नहीं करता बट जो लिपिड सोलबल हॉर्मोन होते हैं दे एंटर इन टू द सेल जो टारगेट सेल है उसके अंदर एंटर करते हैं एंड उन सेल्स के जीन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करते हैं मीन्स जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है जीन से एम डी एन ए बनना डी एन ए से एम आर एन एम आर एन ए से प्रोटीन बनना इसको इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को कंट्रोल करता है लेकिन ये सेल के अंदर एंटर करते हैं लेकिन जो हमारा वाटर सॉलिबल हॉर्मोन है ये जनरेट करता है क्योंकि ये देखो हमने भी बोला कि ये सेल के अंदर एंटर नहीं करता तो फिर कंट्रोल कैसे करेगा ये करता क्या है सेल के मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं उन रिसेप्टर से हॉर्मोन बाइंड करेगा एंड इट क्रिएट्स इट फॉर्म्स सेकेंडरी मैसेंजर ये क्या बनाते हैं सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर है ना और ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है अभी हम इनके एक्शन इनके मैकेनिज्म को अलग से भी समझेंगे एक जनरल डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं ठीक है तो ये सेल के अंदर नहीं एंटर करते ये जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के नाम याद रखने हैं साइक्लिक एम है आई है कैल्शियम आयन है है ना और ये तो एंटर करते हैं और हमारे जो जीन एक्सप्रेशन है सेल का उसको कंट्रोल करते हैं और इस तरह से जो सेल का मेटाबॉलिज्म है उसका रेगुलेशन करते हैं और ये बिना एंटर करे सेकेंडरी मैसेंजर का क्रिएशन करते हैं और इस तरह से ये भी सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं ठीक है और जब सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो जाएगा रेगुलेट हो जाएगा तो ऑबियस सी बात है कि सेल का जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी रेगुलेट हो जाएगी जिस तरफ जिस तरह मोल्ड करना चाहते हैं ये हार्मोन वो कर लेंगे और इस तरह से ये भी अपना फिजियोलॉजिकल जो चेंज चाहते हैं वो रेगुलेट कर सकते हैं ठीक है तो ये इनका जो वाटर सोलबल हार्मोन है और फैट सोलिबल हार्मोन है इनके दोनों के एक्शन में जो कंपैरिजन है इनका मैकेनिज्म में कंपैरिजन है वो ध्यान रखना है क्या क्या डिफरेंसेस है मोस्टली है ना ये रिसेप्टर के मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं इधर कोई रिसेप्टर नहीं होता ये सेल के अंदर नहीं एंटर करते ये सेल के अंदर मैसेज जो हार्मोन है फैट सोलिबल हार्मोन है वो एंटर कर जाते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर वाटर सोलिबल हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट नहीं करते हैं ये सेल का सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करके फिर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ये सेल के अंदर एंटर करके और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों हॉर्मोन्स के मैकेनिज़्म में अब हम एक एक हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो वाटर सॉलिबल हार्मोन है वो किस तरह से हमारे सेल टारगेट सेल के अंदर अपने uh, मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है और जो हमारा फैट सोलिबल हार्मोन है वो किस तरह से अपने टारगेट सेल के अंदर अपने मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे वाटर सोलबल हार्मोन के बारे में चलिए देखिए ये हमारा हॉर्मोन मॉलिक्यूल है ठीक हॉर्मोन क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ये सेल के अंदर एंटर नहीं करते सेल जो जो इनका टारगेट सेल होगा ये जैसे हमने एग्जांपल लिया है ओवेरियन सेल के ऊपर एक हमारा जो हार्मोन है एफएसएच इसके एक्शन को हमने एग्जांपल कर तो एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन ठीक है तो ये एफ क्या करता है ओवरी की सेल्स की मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं उस पर रिसेप्टर लगे होते हैं और ये रिसेप्टर्स को पहचानता है हमारा हार्मोन और इससे ये बाइंड करके बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ठीक है हार्मोन सेल के अंदर नहीं एंटर करेगा ये इस रिसेप्टर से बाइंड करके क्या बना लेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है एंड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्रिएट रिस्पॉन्स फर्स्ट ये सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन करता है जनरेट करता है जैसे या तो साइक्लिक ए एम पी जनरेट करेगा या फिर कैल्शियम आयन जनरेट करेगा ओवेरियन सेल्स के अंदर एंड दिस ड्यू टू दिस सेकेंडरी मैसेंजर देर इज अ सम बायोकेमिकल चेंजेस अकर्स कुछ बायोकेमिकल चेंजेस चलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जिस तरह के उन सेल्स में चाहिए होते हैं वो से वो बायोकेमिकल चेंजेस चलते हैं और हमारा जो ओवेरियन सेल है उसकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलता है जैसे ओवेरियन ग्रोथ है या फॉलिकल का ग्रोथ है वो देखने को मिलता है इस तरह से हार्मोन हमारे जो वाटर सोलबल हार्मोन है अपने टारगेट सेल तक अपने टारगेट सेल के फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं चलिए दूसरा जो हमारा हार्मोन था फैट सॉलीबल हार्मोन कुछ होते हैं लिपिड सोलबल जो हार्मोन होते हैं वो किस तरह से अपने टारगेट सेल की मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं ये क्या करते हैं ये हमने माना ये हमारा हार्मोनल मॉलिक्यूल है हार्मोन जैसे एग्जांपल लिया है हमने एस्ट्रोजन ठीक है एस्ट्रोजन एक हार्मोन फीमेल हार्मोन है जो आ, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी आगे हम इन सारे हॉर्मोन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे ठीक है तो फैट सॉलिबल हॉर्मोन है स्टेरॉइडल नेचर का है स्ट्रोजन ये एंटर करता है डायरेक्टली इन टू द टारगेट सेल ये टारगेट सेल की मेम्ब्रेन है ये क्या है सेल मेंब्रेन ऑफ टारगेट सेल जो भी इनका टारगेट सेल है क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कई ऑर्गन्स uh, में हमें चेंजेस देखने को मिलता है फीमेल्स में ठीक है वहाँ के ऑर्ग वहाँ की जो सेल्स हैं उन सेल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये सेल के अंदर एंटर कर जाता है एंड ये कई चेंजेस के बाद सेल के न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल ठीक है न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये जो हमारा रिसेप्टर है है ना ये जो इनके न्यूक्लियस में रिसेप्टर्स होते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है एंड ये जो रिसेप्टर्स हैं जो इन हॉर्मोन्स से जुड़ते हैं न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है एंड दिस डीएनए से मीन्स जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल करता है मीन्स वो डीएनए का पार्ट एमआरएनए बनाना शुरू कर देता है और एमआरएनए कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ये जो एमआरएनए है न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद राइबोसोम के साथ जो कि एक सेल ऑर्गेनल है आपने पढ़ा है है ना राइबोसोम के साथ प्रोटीन सेंथिसिस करता है एंड प्रोटीन्स आर द एंजाइमेटिक इन नेचर प्रोटीन हमारी एंजाइमेटिक भी हो सकती हैं एंड जो जो ये प्रोटीन्स जैसा बनेगा वैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलेंगे उस टारगेट सेल के अंदर एंड उस तरह के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज उस हमारे जो टारगेट सेल है उनमें देखने को मिलते हैं इस तरह से हमारा जो फैट सोलिबल हारमोन है काम करता है यहाँ फैट सोलिबल हारमोन में एक बार फिर से देखते हैं फैट सोलबल हारमोन डायरेक्टली एंटर करता है टारगेट सेल में है ना एंड एंटर करने के बाद ये न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रेगुलेट द जीन ऑफ द सेल है ना जो जीन है टारगेट सेल का उसको रेगुलेट करते हैं और वो एम बनाएगा एम न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाएगा एंड प्रोटीनस मे बी एक्ट एज एंजाइम और जैसा एंजाइम बनेगा वैसा हमारा बायोकेमिकल चेंज होगा उस टारगेट सेल के अंदर और जैसा बायोकेमिकल चेंज चलेगा वैसा ही उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिलेगा ठीक है तो ये कुछ हमारा मैकेनिज्म है आ, सेल्स का है ना सेल्स के अंदर हॉर्मोन्स का मैकेनिज़्म है कैसे वो हमारे सेल्स को रेगुलेट करते हैं कैसे हमारे सेल्स का जो केमिकल कंपोजिशन है या रोल है वो अलग अलग है क्योंकि उनके ऊपर हार्मोनल कंट्रोल काम कर रहा होता है चलिए जो एक दोनों मैकेनिज्म हैं इनके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जो हमारा लिपिड सोलबल हार्मोन है ये बहुत स्लो इम्पैक्ट करता है लिपिड सोलबल हार्मोन का जो इम्पैक्ट होता है वो स्लो होता है मींस स्लोअर रेट से ये काम करते हैं बट लंबे टाइम तक इनका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है देन द वाटर सॉलेबल हार्मोन वाटर सोलेबल हार्मोन जल्दी अपना रिस्पांस टारगेट सेल को जल्दी इम्पैक्ट करता है और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट करता है बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता जो लिपिड सॉलेबल हार्मोन है वो स्लोअर रेट से इम्पैक्ट करता है टारगेट सेल को एंड इनके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दे आर द लॉन्ग लास्टिंग एज कंपेयर टू वाटर सोलिबल हॉर्मोन ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है दोनों के मैकेनिज्म एक्चुअली हार्मोन का केमिकल नेचर पर उनके मैकेनिज्म डिपेंड करते हैं तो मैकेनिज्म का भी अपना एक प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है ठीक है तो वाटर सोलबल हार्मोन हमारा कैसा होगा फास्ट होता है फास्ट एक्शन शो करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इनके फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं लेकिन लिपिड सॉलिबल जो हार्मोन होते हैं वो स्लोअर रेट से सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं है ना? और ये क्या करते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ठीक है तो आज के वीडियो में बच्चों बस मैकेनिज्म तक हमें डिस्कस करना था और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करना शुरू करेंगे एक एक ग्लैंड के बारे में और उन ग्लैंड्स का क्या रोल है क्या सिक्रीसन है उन सिक्रीसन से हमारी बॉडी का क्या क्या कंट्रोल करा जाता है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करो जिससे उनको भी मदद मिल सके है ना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो ठीक है यही हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है थैंक यू बच्चों